शिवपुरी के जिला अस्पताल में सीने में दर्द की शिकायत को लेकर भर्ती हुए एक मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और डॉक्टर पर इलाज न करने और लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। मामले को लेकर एक आवेदन भी मृतक के परिजनों ने थाना प्रभारी कोतवाली को सौंपा है। वृंदावन धाकड़ निवासी कना खेड़ी 32 वर्ष को आज सुबह सीने में दर्द उठा। जब उसने अपने परिजनों को ये बात बताई तो वह उसे इलाज के लिए सबसे पहले सुखदेव हॉस्पिटल लेकर आए, जहां वृंदावन की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जब परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर संतोष पाठक को दिखाया और इलाज करने के लिए कहा। मृतक के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर संतोष पाठक ने वृंदावन को नहीं देखा और उसका इलाज करने से मना कर दिया और चले गए। वहीं जब दूसरे डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि मरीज की मौत हो चुकी है। इतना सुनते ही मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया और डॉक्टर संतोष पाठक पर इलाज ना करने और लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जैसे तैसे मामले को निपटाया। वहीं परिजनों ने कोतवाली पुलिस को एक आवेदन दिया है जिसमें डॉक्टर संतोष पाठक पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। यहाँ बता दें कि मृतक के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका ये कहना है कि यहाँ पर आप मरीज को लाए, एक घंटे तक मरीज पड़ा है, नहीं देखा, बोला देखा, बोला देखने का तो बोलता है कि इसको पुलिस को फोन लगा, डॉक्टर बोल रहा था पाठक, संतोष पाठक जी बोले तो भाग गया यहाँ से ड्यूटी से। मुकेश धाकड़ कैसे आए थे अस्पताल में? आए थे इसको मेरे बहनों साहब को लाए थे सुखदेव में, सुखदेव हॉस्पिटल में लाए थे। वहाँ पर इंजेक्शन लगा, छाती में दर्द हो रहा, वहाँ से आराम मिल गया। जब बोला बहनों साहब को मुझे मैं सही होटे घर के आ गया तो बिन्ने साहब रेफर किया सरकारी में, तो सरकारी में लाए थे जहाँ पे, तो उसको लाए थे जहाँ पे अंदर स्ट्रेचर को सोम रखा के लाए थे। कोई कंपाउंडर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मैम नहीं। इसके अलावा अंदर आए थे तो जो डेड बॉडी के पास कोई डॉक्टर इलाज नहीं, कोई सरेंज नहीं, कोई दवाई नहीं। जिसको रिश्वत दे दो जेब में तो इंजेक्शन बोतल और सब कुछ है। जिसको रिश्वत कंपाउंडर से लेकर डॉक्टर साहब तक कोई बगैर रिश्वत है काम नहीं चलता सरकारी हॉस्पिटल। दवाई गोली बिजती हैं, सब बिजती हैं, तो पैसा से इलाज होता है यहाँ पे। तो वृंदावन धाकड़ कनाकेड़ी सुखदेव में कब भर्ती हुई? अभी सब अभी आधे घंटे पहले बालाए थे हम सुखदेव में। कोई बीमार नहीं पहले का, कोई कुछ नहीं। वो तो हल्का सा छाती में दर्द हुआ तो उसको बाले गए थे, वहाँ से आराम मिल गया, बोले चलो कि अब कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वहाँ से वो गांव वाले थे उसके साथ कोई धनी डोरी नहीं था, वहाँ से लाए गए थे। डॉक्टर ने बोला धड़कन बंद हो गई। हाँ नहीं, डॉक्टर ने धड़कन नहीं, डॉक्टर ने जैसे साहब रेफर कर दिया वहाँ पर कर दोगे, इसके साथ कोई नहीं। तो उसको सरकारी में ले जाया, कोई धनी होता था वहाँ डॉक्टर साहब से बहस करता था, मैं तो पैसे लगाऊंगा जही लाकर, लाख 10 लाख लगे जो। तो आप साथ में नहीं थे? साथ में कोई नहीं था, जब वो भैया लाए थे जिनके गांव के, वो तो जहाँ लाए जहाँ पे कोई इलाज नहीं करा वो यही थे शर्मा जी। तो वहाँ तो बस 20 मिनट 25 मिनट रुके, वहाँ बढ़िया आराम मिला। मैं तो बोल रहा था जहाँ किसी ने नहीं देखा, आए तो स्टेचर पर जैसे आप डलिए डेड बॉडी, ऐसे ही आप डली है जैसे डेड बॉडी पहले डली थी, जब मैम थी ड्रेस में वो जहाँ पे खड़ी थी, मैंने आगे उनसे पुकार मांगी मैम से कि मैम क्या हो गया, तो मैम बोली कि डॉक्टर साहब के पास जाइए जहाँ पे जो इसी जगह पर मैं आया था। मैंने मैम से पुकार लगाई, मैम क्या हो गया मेरे बहनों साहब को बताओ, नहीं हम तो बाल यहाँ सिद्धि बनाई। तो मैम ने कोई जवाब नहीं दिया, जब बोली कि डॉक्टर साहब के पास जाइए मैम बोली यहाँ पे। ये पूरे बेचारे सब लोग देख रहे थे जी, तमाशा, अकेली डेड बॉडी डरी थी जहाँ पे। अब शिकायत करिए, अब उनने कैमरिया सुनी श्रीमान जी कोतवाली सुनी कैमरिया जी क्या साहब, उनने कंप्लेंट करी डॉक्टर साहब ने कि हम पे मतलब हम पे है भी हो रहे, तो हम सुनी कैमरिया जी को सॉरी, उनने डॉक्टर साहब ने सुनी कैमरिया जी को बुलाया कई, जिनको बुलाया इनको कहीं बंद करवाओ साल इनको कहीं जहाँ पे, और जो हमसे बदतमी वो हाँ वो डॉक्टर साहब कह रहे थे, वो क्या नाम उनका सतीश शर्मा जी, क्या नाम उनका सतीश पाठक है, कौन है पाठक, संतोष का सतीश है उनका सब पाठक, डॉक्टर साहब नाम तो अभी हमें क्लियर मालूम नहीं है, पाठक जी है कोई उनने, और आए थे कोई डॉक्टर नहीं था जहाँ पे, मैं गारंटी दे रहा हूँ डॉक्टर साहब हो तो आप के कौन इस साल आऊँ इसका। और जो कि चिकित्सक का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने देखा नहीं मरीज को और उसकी डेथ हो गई,
एक मृत व्यक्ति को मरीज तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मरीज तो भाई बीमार व्यक्ति होता है। एक मृत व्यक्ति को जो है इनके द्वारा लगभग 11 बजे के आसपास एक मरीज को लेके आया गया 11:15 के आसपास, जो कि मृत अवस्था में था। और इनके द्वारा बताया गया कि किसी प्राइवेट अस्पताल में इनके द्वारा पहले इलाज किया गया था और इसको चेस्ट पेन की शिकायत थी, सीने में दर्द की। सीने में दर्द का इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में कराया गया था, इसके पश्चात यहाँ लेके आए थे, जो कि मृत अवस्था में लेके आए थे। तो लगातार परिजन उनके सर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, वही कह रहे हैं डॉक्टरों ने अटेंड नहीं किया, क्या हुआ? अभी तो यहाँ मृत अवस्था में लेके आए थे, और मैं तो खुद स्ट्रेचर के साथ गया था। मरीज जैसे ही वो लेके आए, मैं खुद बाहर निकला, एक व्यक्ति चिल्ला के आया, डॉक्टर साहब डॉक्टर कहाँ? मैं तुरंत गया बाहर गैलरी में, और स्ट्रेचर पर मरीज था, मैं स्ट्रेचर अंदर गया है ना, और मैंने उसको चेक किया, वो मृत था। सर वो किसी डॉक्टर वगैरह पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन डॉक्टर ने उनसे बोला कि हमारा काम नहीं है देखने का, तो क्या? अब मैं तो क्या उस समय मरीज को देखने में व्यस्त था, तो मुझे ये नहीं पता है कौन से डॉक्टर ने क्या कहा। 2-3 डॉक्टर शायद उस समय थे, तब के कौन से डॉक्टर साहब से इनकी बहस हुई मुझे ठीक आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ 2-3 डॉक्टर तो थे। और